और आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। नाटो के खिलाफ रूस का बड़ा बयान, पूर्वी हिस्सों में नाटो की सेना जमा हो रही है। नाटो की सेना का जमा होना भड़काऊ कदम है, हमें रोकना ही नाटो का असली मिशन है, नाटो को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो रूस का बयान सामने आया है। रूस का कहना है कि नाटो की सेना का जमावड़ा हो रहा है और पूर्वी हिस्सों में यह जमावड़ा हो रहा है जो कि भड़काऊ कदम है। नाटो का मकसद हमें रोकना ही है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन का और कड़े प्रतिबंधों का फैसला सामने आया है। तो युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन का फैसला, रूस को समुद्री नेविगेशन तकनीक के निर्यात पर रोक लगाई गई है। रूस के 160 लोगों पर यूरोपियन यूनियन ने सख्त बैन लगा दिया है। बेलारूस के बैंकिंग सेक्टर पर भी यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो बेलारूस पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं, तो एक के बाद एक और कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस पर। चारों तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दूसरी ओर रूस लगातार आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूसी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने में लगे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने रूस के से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो रूस ने जर्मनी को अपनी गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी देते हुए क्रूड ऑयल के दाम $300 प्रति बैरल करने की चेतावनी दी है। सवाल है कि क्या रूस के साथ साथ तमाम देशों के सामने आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन रूस में चल रहे युद्ध के बीच रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर है। दुनिया के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका असर सीधा रूस की करेंसी पर देखने को मिल रहा है। रूसी करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। 100 से ज्यादा अमेरिकी और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां रूस से अपना कारोबार समेट चुकी हैं। रूस के खिलाफ एक के बाद एक कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए रूस के तेल और गैस पर बैन लगाने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर लिखा, यह पहले से स्पष्ट है कि यूक्रेन में कभी भी पुतिन की जीत नहीं होगी। पुतिन एक या कुछ शहर जीतने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी देश को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। जंग की वजह से यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेरिका का मकसद अब रूस को किसी तरह से सबक सिखाने का है, जिसके लिए वो लगातार पश्चिमी देशों पर इस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि वो रूस से आने वाले तेल को बैन कर दें। बाइडेन ने रूसी गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उनका दावा है कि ये कदम रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाएगा। अमेरिका रूस के कच्चे तेल और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी होते ही रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने चेतावनी भी दी है। एक ओर रूस पर प्रतिबंधों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर रूस इससे निपटने और पलटवार करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन कंपनियों के कारखाने और अन्य संपत्तियों को नेशनलाइज करने की तैयारी चल रही है जिन्होंने रूस में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का परिणाम कितना घातक होता है, इसका परिणाम किस देश को कितना भुगतना पड़ेगा और तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब रूस क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो युद्ध लगातार जारी है, सैंक्शंस का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूक्रेन तमाम दावे कर रहा है रूस को नुकसान पर। यूक्रेन के कई दावे सामने आ रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि 12,000 सैनिक, 317 टैंक, 49 एयरक्राफ्ट, 81 हेलीकॉप्टर, 60 फ्यूल टैंक का नुकसान हुआ है, 7 ड्रोन भी मार गिराए हैं रूस के। तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रशिया को भारी नुकसान पहुंच रहा है इस युद्ध के जरिए, और यूक्रेन जो रिटेलिएट कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखा जा रहा है।
और इस रिटेलिएशन के बीच यूक्रेन तरह तरह के दावे भी कर रहा है। वो दावे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेन कह रहा है हमने काफी नुकसान पहुंचाया है रूस को, और इस नुकसान में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं, कई सैन्य साजो सामान जो उनको नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन कह रहा है 12,000 सैनिकों का नुकसान पहुंचा है रूस को, 12,000 सैनिक मार गिराए गए हैं। वहीं टैंक की अगर बात करें तो 317 टैंक नेस्तोनाबूद कर दिए गए हैं रूस के। रूसी सेना के 49 एयरक्राफ्ट्स को भी गिरा दिया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स का भी दावा किया जा रहा है कि 81 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो गए हैं रूस के। यूक्रेन कह रहा है कि हम जोरदार जवाब दे रहे हैं रूस को। 60 फ्यूल टैंक भी बर्बाद हो गए हैं रूसी सेना के। 7 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। तो रूस को खासा नुकसान पहुंच रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगातार उस पर लगाए जा रहे हैं। तो किन देशों ने कितने प्रतिबंध लगाए हैं, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर अमेरिका की करें तो 1,194 सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। कनाडा की तरफ से 909, स्विट्जरलैंड की तरफ से 824, यूरोपियन यूनियन की तरफ से 766, फ्रांस की अगर बात कर ले तो 760 सैंक्शंस लगे हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने 633 प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं, 271 प्रतिबंध लगाए हैं। और ब्रिटेन कह रहा है अभी और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाकी के जो देश हैं उन्होंने कुल मिलाकर 176 प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं। तो दुनिया भर से सैंक्शंस लगाए जा रहे, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।